अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन, आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेड 11 स्टूडेंट्स, जस्ट अ रिफ्रेशर ऑन नंबर सीक्वेंस। ठीक है, नंबर सीक्वेंस का टॉपिक जो है बिल्कुल P1 में टच नहीं हुआ। इसका मतलब है कि P2 में इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसका फुल लेंथ क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10+ मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपका। अच्छा, अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो याद रखनी है, जल्दी से उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, नंबर सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है ना, उसमें सबसे पहले आपको जो है ना वो पैटर्न जो है वो फिल करवाएगा। ठीक है ना, कोई पैटर्न उसने बनाया हुआ होगा जिसमें जो है वो मतलब स्टिक्स भी हो सकती हैं, डॉट्स भी हो सकते हैं, बॉक्सेस भी हो सकते हैं शेड करने के लिए। तो वो आपने पैटर्न कंप्लीट करना है। सबसे पहले पैटर्न कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक नीचे टेबल होगा, उस पैटर्न को देख के आपको जो है ना उस टेबल को फिल करना है। ठीक है, कुछ टर्म्स जो है ना वो आप उस पैटर्न से देख के फिल कर सकते हो, जैसे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई। अगर उसके बाद की वो टर्म्स आपसे लिखवाएगा तो फिर आपको जो है ना वो उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सी सीक्वेंस है। ठीक है ना, उसके बाद फिर वो सिस्टमेटिक आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है, वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ब्लैक स्क्वायर्स, नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स, इस तरह की चीज़ें उसमें आती रहती हैं। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं ना वो सारी सीक्वेंस है, क्योंकि वो सारी की सारी कोई ना कोई सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हारे पास नंबर्स लिखे होंगे सबसे पहले आप अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए चेकिंग करोगे कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं। अगर ये सारे डिफरेंस सेम आ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जिसको हम लीनियर सीक्वेंस भी कहते थे। और ये जो डिफरेंस आ रहा था ये कॉमन डिफरेंस होता है, ये डी होता है। तो ऐसी सीक्वेंस की जनरल टर्म यानी एन टर्म जो हम बनाते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a+n-1d। इसमें a जो है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है, n-1 ही रहता है क्योंकि हमें जनरल टर्म बनानी होती है, जनरल टर्म में n का होना ज़रूरी होता है। और d जो है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है जो कि माइनस करके आ रहा होता है। अब कॉमन डिफरेंस एक नंबर आता है जैसे 4 आ रहा है, तो आप क्या करते हो 4 को n से भी मल्टीप्लाई कराते हो, 4 को -1 से भी मल्टीप्लाई कराते हो, और फिर आप सिंप्लीफाई करके जो है ना वो एक टर्म बनाते हो। टर्म बनाने के बाद लाजमी n की जो है ना एक दो वैल्यूज डाल के उसको चेक कर लिया करो कि आपकी सीक्वेंस बन भी रही है कि नहीं। समटाइम्स क्या होता है जल्दबाजी में प्लस माइनस की गलती हो जाती है, और प्लस ये कि ये एक या दो मार्क का होता है, तो अगर आप इस तरह एक एक दो दो मार्क गलत करते हुए जाते रहोगे तो फिर जो है वो अच्छा ग्रेड उठाने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम लगा लो और जो है वो अपने आंसर को वेरीफाई कर लो। तो एन की वैल्यूज डाल के चेक कर लिया करो कि आपकी जो सीक्वेंस है वो बन भी रही है कि नहीं बन रही। तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस के लिए तुम सबसे पहले डिफरेंस निकालो कि अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, दो तीन डिफरेंस कम से कम निकालो। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस हो गई, लीनियर सीक्वेंस हो गई। फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, a+n-1d हो गया। फर्ज करो कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं आ रही, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, तो फिर तुम जो दूसरा चेक करोगे ना वो स्क्वायर, क्यूब्स और ट्रायंगल नंबर्स के लिए करोगे। स्क्वायर नंबर्स कैसे दिखते हैं, स्क्वायर नंबर्स ऐसे होते हैं, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16, 25 एंड सो ऑन, इस तरह स्क्वायर नंबर्स चलते रहते हैं। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इनकी जो जनरल टर्म होती है वो एन स्क्वायर होती है। ठीक है, ये जो है वो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से भी आ जाती है एन स्क्वायर, लेकिन भाई अब हमारे पास टाइम कम है, एक एक नंबर की चीज़ें आती हैं, तो बेहतर है कि आप इसको जो है ना वो मतलब समझ के याद कर लो। एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, एन स्क्वायर का मतलब एन की जगह 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1, 4, 9, 16, 25 ये जो है स्क्वायर नंबर्स हैं, इनकी जनरल टर्म एन स्क्वायर हो गई। क्यूब नंबर्स कौन से हैं, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, ठीक है, इनकी जनरल टर्म एन क्यूब हो गई। ये ट्राइंगल नंबर्स हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर 2 का डिफरेंस आता है 3, फिर 3 का डिफरेंस आता है 6, फिर 4 का डिफरेंस आता है 10, फिर 5 का डिफरेंस आता है 15, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। तो ये ट्राइंगल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना, और इनकी जो जनरल टर्म होती है वो होती है हाफ एन एन प्लस 1। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें तुम्हारे जहन में होनी चाहिए। स्क्वायर नंबर्स का एन स्क्वायर हो गया, क्यूब नंबर्स का एन क्यूब हो गया, और जो ट्राइंगल नंबर्स हैं उनका हो गया हाफ एन एन प्लस 1। अब होता ये है कि वो सिंपल तुम्हें इस तरह जो है ना वो सीक्वेंस नहीं देता, वो क्या करता है इसमें शिफ्टिंग करता है। शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि वो तुम्हें दे देगा 4, 9, 16, 25। मतलब जो तुम्हारे स्क्वायर नंबर्स हैं वो 1 से नहीं शुरू हो रहे होंगे, वो 4 से शुरू हो रहे होंगे, मतलब एक उसने आगे नंबर शिफ्ट कर दिया। तो जब तुमने आपने ये देखा कि यार ये हैं तो स्क्वायर नंबर्स लेकिन इनमें शिफ्टिंग हो रही है, तो फिर आप एन स्क्वायर नहीं लिखोगे। अब आप देखोगे शिफ्टिंग कितनी हुई, अगर शिफ्टिंग एक की हुई है प्लस 1 की, एक आगे क्या है, तो आप फिर इस तरह लिखोगे एन प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर 2 की शिफ्टिंग होगी तो एन प्लस 2 होल स्क्वायर, अगर 3 की शिफ्टिंग होगी तो एन प्लस 3 होल स्क्वायर। इसी तरह जो है वो पीछे भी जा सकता है, बैकवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, तो फिर n माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह क्यूब में भी वो आपको जो है वो चेक कर सकता है, 1, 8, 27, 64 नहीं दे रहा, वो आपको दे रहा है 27, 64, 125 इस तरह दे रहा है। तो आप ये देखोगे यार 27 इसका मतलब है कितने नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, इसने 2 की जम मारी है, तो फिर ये n प्लस 2 होल क्यूब हो जाएगा। इसी तरह n प्लस 3 होल क्यूब भी हो सकता है, n माइनस 1 होल क्यूब भी हो सकता है। अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा आगे जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है,
मतलब जितना आगे जा रहा हो उतना प्लस कर देना, अगर पीछे जा रहा है तो माइनस करोगे। इसी तरह ट्राइंगल नंबर्स में भी ऐसे ही। अब ट्राइंगल नंबर्स में ये होता है कि यहाँ दो एन है, ठीक है, अगर एक का जंप हुआ है तो फिर यहाँ भी एन प्लस वन आएगा और यहाँ भी एन प्लस वन आएगा, तो ये तो एन प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्लस टू। तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एन प्लस वन एन प्लस टू। अगर दो का जंप आ रहा है तो यहाँ भी एन प्लस टू आएगा, यहाँ भी एन प्लस टू आएगा, तो एन प्लस टू और एन प्लस थ्री हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें सबसे पहले चेक करनी है, उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे। अर्थमेटिक चेक हो गई, अर्थमेटिक अप्लाई कर दिया, अर्थमेटिक करके डन हो गया, फिर तुम स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर चेक करोगे, उनकी शिफ्टिंग चेक करोगे, उसके बाद आप वर्टिकल पैटर्न या क्वाड्रेटिक चेक करोगे। होता यह है कि वर्टिकल पैटर्न से सवाल सॉल्व हो तो जाते हैं, लेकिन बच्चे को ना आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि भाई क्या वर्टिकल पैटर्न है, किसके साथ हो रहा है। तो इसलिए जो है ना, वो हमने फिर बच्चे को क्वाड्रेटिक वाला जो है वो सीक्वेंस समझा दी। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस जिसको हम लोग डबल डिफरेंस वाली सीक्वेंस कहते थे, तो वो भी जो है ना मतलब इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो उसका तो बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है, वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है तो उस वजह से जो है वो टाइम लगता है, लेकिन भाई इतना भी टाइम नहीं लगता। आप जो है वो उस पर मतलब अगर आपका हाथ जो है वो सेट हो जाए तो फिर इतना जो है वो मुश्किल नहीं है, बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें बता दी। वर्टिकल पैटर्न अगर आपको आइडेंटिफाई करने में आ रहा है तो आप वर्टिकल पैटर्न यूज़ कर लो, वरना ये कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर लो। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कौन सी होती है जिसमें पहली बार जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं आएगा, लेकिन जो डिफरेंस का मैं डिफरेंस निकालूंगा ना वो बिल्कुल सेम आएगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं डबल डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको दो बार डिफरेंस निकालना पड़ता है। आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस जी भी है, आपने क्या किया टर्म टू को टर्म वन से जो है वो माइनस किया, फिर टर्म थ्री को टर्म टू से माइनस किया, टर्म फोर को टर्म थ्री से किया, तो एक और जो है वो नंबर्स की लाइन आ गई नीचे, वो सारे नंबर्स अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे। जब आप उन सारे नंबर्स को दोबारा माइनस करोगे फिर जो नंबर आएगा ना वो सेम होगा, तो वो डबल डिफरेंस होता है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। इसका जो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वन प्लस डी टू अपॉन टू, और दो ब्रैकेट्स आते हैं एन माइनस वन एन माइनस टू। इसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म हो गई, एन माइनस वन तो ऐसे ही रहता है क्योंकि जनरल टर्म बनानी है, डी वन जो है ना वो आपकी ओरिजिनल जो सीक्वेंस है ना, ओरिजिनल जो आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस होती है उसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनका डिफरेंस जो है ना वो डी वन होता है, ठीक है। जो भी ओरिजिनल सीक्वेंस आपको गिवन है उसका जो डिफरेंस निकालोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो जो आंसर आएगा वो आपका डी वन होगा। और ये जो डी टू है ये वो वाला डिफरेंस है जो सेम आ रहा है, जो सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पहला वाला डिफरेंस नहीं है, वो तो अलग अलग आता है, सेकंड डिफरेंस जो आप निकालते हो ना जो सेम आता है वो डी टू होता है। अच्छा, एन माइनस वन और एन माइनस टू को हमने मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू कर दिया, ठीक है। ज़्यादातर जो डी टू होता है वो हमारे पास जो है ना वो इवन आ रहा होता है तो वो टू से कैंसिल हो जाता है, तो ये वर्किंग हमारे पास आसान हो जाती है। अगर फर्ज करो जो है वो डी टू जो है वो वन आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आप हाफ से जो है ना वो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करोगे। उसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसमें एक दो स्टेप जो है ना वो और बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें वर्टिकल पैटर्न समझ में आ रहा है, वर्टिकल पैटर्न तुम्हें दिख रहा है, तो वर्टिकल पैटर्न अप्लाई कर दो, वरना ये है कि क्वाड्रेटिक को यूज़ कर लो। और वर्टिकल पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो आपको एक तरह का क्वेश्चन जो है वो आपने देखा होगा पास पेपर में, जिसमें आपको सीक्वेंस देता है उसकी जनरल टर्म देता है, बोलता है ये इसकी जनरल टर्म है, और फिर आगे लिखा होता है यूज दिस जनरल टर्म टू फाइंड आउट द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बिलो। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना उसमें आपको लाजमी ये वर्टिकल पैटर्न वाला जो है ना वो मेथड यूज करना पड़ता है। वर्टिकल पैटर्न कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसमें ये होता है कि आपको देखना होता है कि ऊपर और नीचे की जो सीक्वेंस है उसमें क्या रिलेशन है, क्या वो डबल हो रही है, क्या वो प्लस हो रही है, क्या वो डिवाइड हो रही है, तो इस तरह देखना होता है। और फिर आपको नीचे जो सीक्वेंस होती है उसकी जनरल टर्म बनानी होती है ऊपर की सीक्वेंस को देख के। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो है पास पेपर में, प्रैक्टिस करना। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से जो है वो याद करके चले आना, ठीक है ना। इसमें भी वैल्यूज डाल के वर्किंग हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, लास्ट हमारे पास ही एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो है वो ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें आपके पास कंजर्केटिव टर्म्स के जो रेशियो होते हैं ना वो सेम होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली मल्टीपल्स होते हैं, जैसे अगर तुम जो इनकी वो देखोगे ना सीक्वेंस, तो तुम्हें वो लग रहा होगा कि भाई मल्टीपल्स हो रहे हैं, ठीक है ना, कॉमन रेशियो है ना, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर करके पूरी जो है ना वो सीक्वेंस बन रही होती है। तो इसकी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ए फर्स्ट टर्म हो गई, आर कॉमन रेशियो हो गया, ठीक है, जो कि थ्रू आउट सेम होता है, और R पे जो पावर है ना वो है n माइनस वन, ठीक है। A पे पावर नहीं है n माइनस वन, R पे पावर है n माइनस वन। तो एक्सपोनेंशियल के भी एक दो क्वेश्चंस जो है वो मैंने देखे हैं। एक्सपोनेंशियल ज़्यादातर P1 में देखे हैं मैंने, P2 में नहीं देखे, लेकिन फिर भी है कि अभी ये सवाल आया ही नहीं है, तो फिर भी आप जो है ना वो अपने जहन में रखना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच थी, पहले तुम अर्थमेटिक चेक करोगे, फिर तुम स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर उनकी शिफ्टिंग, फिर आप देखोगे नज़र मार के वर्टिकल पैटर्न है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना, क्वाड्रेटिक पे चले जाना। और क्वाड्रेटिक भी नहीं है सब, वर्टिकल पैटर्न भी नहीं है, तो फिर एक्सपोनेंशियल चेक कर लेना, ठीक है। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।
मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी रिवीजन इस तरह हो जाए ना, थोड़ा सा वो भी हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी ये है कि पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो है वही हैं तुम्हारे लिए हल। अभी है कि टॉपिकल पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रखो, क्योंकि आपको टॉपिक्स का आइडिया हो गया ना कि जो टॉपिक ज़्यादा पूछ लिया गया वो अब नहीं आएगा दोबारा। तो बस ये है थोड़ी सी एडवाइस तुम लोग के लिए, बाकी मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। लपाक आप सबको कामयाब करे और आप सबको हिम्मत दे, ताकत दे और आप सबकी मदद फरमाए, ताकि आप लोग अच्छा सा पेपर करो। गर्मी भी बहुत है, बस भाई आजमाइश है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो आपकी मेहनत का भरपूर सिला आपको देगा, ठीक है। बाकी ये कि हमें भी दुआओं में याद रखो, हम भी आपको दुआओं में याद रख रहे हैं। हिम्मत से पेपर करो, हिम्मत से प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, अगर और वीडियोज़ आ जाएँ तो तुम लोग की हेल्प हो जाएगी।